रानी सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अचार रेसिपी, आम का अचार। आम का अचार किसे नहीं पसंद है, लेकिन लगता है कि बहुत ही कठिन है इसे बनाना, तो मैं आज आसान तरीक़ों से बनाती हूँ जो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाए हैं। जो तो अगर कोई बैचलर है फैमिली में है तो सब अब इस ट्रिक से अचार बना सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको आम का अचार बनाना है उसको अच्छे से वॉश करके काट ले चाकू की मदद से या सरोता, हमें सरोता मिल गया था तो हमने सरोता से काटा, नहीं तो आजकल बाजार में ये काट कर भी मिला दिया जाता है, तो अपने सुविधा से आपको जैसा लगे वैसा कर ले। उसके बाद फिर काटने के बाद आम हमारा पूरा कट चुका है और इसको एक दो पानी अच्छे से और वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि काटते समय भी कुछ धूल वगैरह सब कुछ चिपक जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको एक दो पानी धोना चाहिए। और धोने के बाद बढ़िया बाहर धूप में एक चटाई या एक पॉलीथीन बिछा कर सारे आम को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए बढ़िया धूप में बिछा दे, ताकि जो जिसका जो पानी है आम का, जिससे जो आम में जो भी पानी है वो सूख जाएगा और हमारा अचार बहुत अच्छा बनेगा। मसाला प्रिपरेशन, तो थोड़ा सा कलौंजी उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, उसके बाद थोड़े से मेथी के दाने आपके आम जितने हैं वो देकर, और सौंफ डालना है, उसको हल्के रोस्ट होते तक थोड़ा सा कलर चेंज होते तक उसको भूनना है, उसके बाद एक बर्तन में खाली कर दे बारी बारी से सारे मसालों को। उसके बाद ये देखो सौंफ, मैंने वो मोटे दाने वाले सौंफ और एक जो पीला सौंफ, पीला सरसों आता है स्पेशली अचार के लिए तो उसका यूज़ किया है, और ये थोड़े से जीरा भी बहुत ज़रूरी होता है अचार के लिए, और उसके बाद खड़ी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार। सभी मसालों को रोस्ट करने के बाद आपको एक पेपर लेकर सबको सुखा देना है और ठंडे होने का वेट करना है। ठंडे होने के बाद इसको मिक्सी में बारी बारी लेकर पीसना है और एक बर्तन में फिर से खाली करने हैं। तो मैं मिर्ची पीस कर उसको खाली कर दी हूँ, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा लेकर इसको पीस रही हूँ सबको बारी बारी से, और थोड़े थोड़े ऐसे पीसना है तो उसे चिपकेगा नहीं, तो हल्के हल्के से पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पिसाएगा, और सबको एक बर्तन में खाली कर दे और अच्छे से मिला ले। और ये मुझे छोटा हो गया था ये बर्तन, तो मैं एक बड़े बर्तन में खाली की हूँ। उसके बाद मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लीजिए, और 4 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 4 चम्मच हल्दी का पाउडर। उसके बाद हींग डालना भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा हींग डाल दो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार नमक डाल दो, उसके गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल मसालों को अच्छे से मिला के साइड रख दीजिए, और उसके बाद सरसों तेल जितना ज़रूरी है उतना उसको गर्म करके रख देना है, और उसको फिर जितना क्वांटिटी लग रहा है जितना यूज़ में आ रहा है उसे फिर मसालों को अच्छे से मिला दो, और आधे तेल को आपको सेपरेट रखना है ताकि जो अचार बनेगा उसमें डालना है। और ये देखो ये आम को मैं ओवरनाइट हल्दी और नमक लगा कर रख दी थी ताकि रात भर आम नमक के साथ अच्छे से गल जाए और अचार बनके बहुत टेस्ट लगेगा जब अच्छे से अचार गलेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे से सारे आम को मसाला में मिक्स करेंगे, और ये पानी को याद रखना फेंकना नहीं है, तो धीरे धीरे ये डाल लो। उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स करिए सारे मसाले आम में अच्छे से लग जाए, देखने में इतना टेस्ट है, मुझे तो ऐसे ही लालच आ गया, मैं तो एक दो पीस ऐसे बनने के बाद ही खा लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे ऐसे ही अचार पसंद है। मुझे जो तो वो ऐसे जो रेड सा दिखता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसे पसंद है ऐसे जो दिखता है मसाला। तो धीरे धीरे करके डाल लीजिए, बारी बारी से मिक्स करिए, एक साथ भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालो मिक्स करो। तो और उसके बाद फिर मैं एक आपको दिखाती हूँ, कांच का या प्लास्टिक का जो भी आपके पास है, बस ये होना चाहिए कि एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। तो मैं ये बहुत अच्छा सा बड़ा सा प्लास्टिक का जार है मेरे पास, इसमें आम बहुत अच्छे से अंदर जाएगा, और अच्छे से इसको हम शेक भी कर सकते हैं, बीच में आम को डालने के बाद शेक भी करते रहना है, तो उसके लिए प्रॉपर जगह है मेरे इस बॉक्स में। याद रखिए पूरा डालने के बाद आपको कम से कम 20 से 21 से 22 दिन तक आपको रोज़ 4-5 घंटे के लिए डेली धूप दिखाना है, और पूरा आम इसमें डालने के बाद आपको 2 दिन धूप दिखाने के बाद फिर इसमें तेल डालना है जितना आपको ठीक लगे, या तो आप पूरा भर भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसमें कम तेल डालूँगी। तो इसमें देखिए बहुत सफिशेंट जगह है इसमें, तो पूरा डल के तैयार हो गया, बहुत ही यम्मी लग रहा है, और ये मेरा अचार बन के तैयार हो गया होगा। प्लीज़ गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर कोई समझ ना आए वीडियो में तो प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मैं सबको रिप्लाई करूँगी।